कहे बानो मैं शीश नवाऊं कहाँ, मोरा सैया तो मैं का बिसार गयो। Everything about us is different. On a winter morning, we even taste the dew. The morning sounds of Lucknow are still the same. The Makhanwala with his Os Ki Rani, Makhan Malai, cream made from the early morning dew which settles on it. But the beginning of her story is no indication of how it will end. The morning says nothing for the day. उनको बहुत इंटरेस्ट था यहाँ की लोकल हिंदू रस्मों से। मुगलों के ज़माने में ईरान के लोग यहाँ बहुत आए और अवध की हुकूमत एक ईरानी ही को, सादत खान बुरहानुल मुल्क को दे दी गई। तो अब जो ईरानी कल्चर आया वो एक तरह से तो अपने साथ वो हमारा बहुत पुराना इंडियन कल्चर जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में ईरान पहुँच गया था वो लेके आया। फिर यहाँ आकर उन्होंने लोकल पॉपुलेशन से जब मिलना शुरू किया तो एक नया कल्चर धीरे धीरे उभरने लगा। इस कंपोजिट कल्चर की जो मिलकर जो कोशिश थी वो ये थी कि लखनऊ को किसी तरह वो पूरे हिंदुस्तान के शहरों से ज़रा अलग बनाए। बजरे माने रहने दिवस हरना, रे बजरे माने रहने दिवस हरना। Dancing the Kathak in Kasarbagh, the last king of Awadh, Wajid Ali Shah, often played the role of Kanhaiya. Lucknow aur Kathak ko aisa jud gaya hai और युगों से जुड़ा हुआ, आज की बात नहीं, हमारे बाबा को ठाकुर प्रसाद दुर्गा प्रसाद जी को नवाब वाजिद अली शाह ने बुलवाया था। मंदिरों से जब यहाँ पहुँचा नवाब साहब के यहाँ नाच, तो उसके अंदर बारीकी और उसके अंदर जो नज़ाकत और उसकी खूबसूरती थी, यहाँ तक कि उर्दू ज़ुबान बोलना चालना और उसी के साथ साथ उन लफ्ज़ों के हिसाब से ही जो तौर तरीके लखनऊ के हुए, वो नाच की हर कलाई, हर उंगलियों पर, हर पलकों पर उसका असर पड़ा। This tradition continues in Lucknow, but how different it is today from what it was in the first home of Kathak. नाच तो खास करके बहुत से लोगों ने आके सीखा उस ड्योढ़ी के ऊपर जहाँ महाराज बिंदादीन कालका महाराज ठाकुर प्रसाद जी की ड्योढ़ी कहलाई।
उन्हीं का दिया हुआ मकान वो आज भी ऐसे तो है, लेकिन हम लोग आजकल दिल्ली में हैं। हर चीज में लखनऊ की एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की गई। हर ड्रेस में लखनवी टाइप का कुर्ता, लखनवी स्टाइल की टोपी, लखनवी काट का गरारा, इन सब चीज़ों में एक लखनऊ स्कूल को एक तरह का बनाया गया। ये पेंटिंग में भी बनाया गया। म्यूज़िक का अलग है, ठुमरी का, बगल का लखनऊ स्कूल अलग है, तबले का लखनऊ स्कूल अलग है, आर्किटेक्चर का अलग है। ये मैं नहीं कहता कि ये बहुत बड़ा स्कूल था, लेकिन ये कि उसने एक अलग अपनी पहचान बना ली। जूता हो, चाहे लोटा हो, चाहे पतीली हो, हर चीज़ में आप देखेंगे, पानदान हो, तो मानो कि ये लखनऊ की पहचान ये क्लियर मौजूद है। एक तो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन यहाँ का बहुत था, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ना हो ना बहुत कम हो, यानी ह्यूमन बिहेवियर तक में ये बात थी कि जैसे आपको देख के आप आए मुझसे मिलने, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन उस खुशी का बहुत ज़्यादा इजहार कि हम लपक के आपके गले लग जाएं और ठट्ठे मार के हंसने लगें, ये नहीं होगा। गुस्सा होगा तो ये बता दिया जाएगा कि आपने जो कुछ कहा वो कितने गुस्सा दिलाने वाली बात थी, लेकिन खुद हम उतना गुस्सा जाहिर नहीं करेंगे। तो एक तरह का एक मध्यम अंदाज, जो कोई चीज़ लाउड ना होने पाए, सिमेट्रिकल हो और बहुत हद तक नेचुरल हो। शौकीन भी अब नहीं है, पहले गए थे जो अच्छा काम पसंद करें, अब तो वह काम ये उसमें आ गया, फैशन में आ गया ना, तो हर जैसा भी चलता है कस्टमर पर है, जैसा उसको आ गया वह पसंद। अब जो है चमक का वह काम जो है कस्टमर पसंद कर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा पसंद। द चेंजिंग फ्लेवर ऑफ लखनऊ इज एविडेंट इन इट्स न्यू टेस्ट्स। लखनऊ की पहचान और लखनऊ की शनाख्त मीर अनीस की शख्सियत से है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यानी किस पस मंज़र में ये बात कही थी उन्होंने कि कूफे से मिल रहे हैं अदद एक शहर के, डरता हूँ अनीस कहीं लखनऊ ना हो। सलामी लुत्फ जुबान हम जुबान उठाते हैं, मेरे सुखन का मजा कद्रदान उठाते हैं, मेरे सुखन का मज़ा कद्रदान उठाते हैं। ज़बान में बहुत फ़र्क हुआ, अब बहुत से अल्फाज ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोगों को बोलने पे टोका जाता था कि ये गलत है, ये मत बोलो। जैसे किसी को बच्चे तक को भी हम लोग बदमाश कहते थे, फौरन टोके जाते थे कि ये क्या बाजारी ज़बान बोल रही हो, शैतान कहो पाजी कहो मगर ये लफ्ज़ नहीं बोलते। और इसी तरह एक मामूली बात थी, वो पान बनाना और पान लगाना, पान बनाने को कहते थे कि ये बड़ा फसीह लफ्ज़ है, और पान लगाना अगर कहें तो कहते थे कि गाली है, ये मत कहो। तो इस तरह की बातों पे हम लोगों के ज़माने में बहुत टोका जाता था, मगर अब क्या किया जाए, ज़माने का फ़र्क है, लखनऊ की बोलचाल तो अब ख़त्म ही हो गई। ये शहर लखनऊ है, हर आँख की तमन्ना हर दिल की आरजू है, ये शहर लखनऊ है। Thank you.
The grandeur of the Awadh court attracted foreigners, many of whom were to stay on in Lucknow. चार कहार मिले मोरी डोलियां सजावे रे, चार कहार मिले मोरी डोलियां सजावे रे, मोरा अपना बेगाना छूट जाए बाबुल मोरा, नैहर छूट जाए। Seven broad roads were built to enable swift troop movement. The British altered the cityscape and the cultural fabric of Lucknow. Among the survivors was a staunchly anti-British institution, the Firangi Mahal. Set up in the 17th century, this seminary combined the teaching of theology with that of logic and philosophy. This course of study was known all over as Dars-e-Nizamiya. ये Dars-e-Nizami सारे हिंदुस्तान में पढ़ाया जाता था इस नए तर्ज़ तालीम से, तरीक़े तालीम से, जिसमें मंतिक और फ़लसफ़े को बहुत बड़ा दखल था कि जिससे रोशन ख्याली लोगों में पैदा होने लगी। उलूम दो हैं, उलूम आलिया का मतलब यह है कि कुरान हदीस और कुरान और हदीस से मुताल्लिक और इल्म फ़िक़ह थियोलॉजी पढ़ाई जाए, और उलूम आलिया ये है कि आला बने, ये उलूम जो है मंतिक और फ़लसफ़ा, ये उन उलूम को समझने का आला बने। तो उलूम आलिया ऐन से और उलूम आलिया अलिफ से को उन्होंने एक साथ शामिल किया कि वो बड़े उलूम हैं लेकिन उनको समझने के लिए और उनको मुरत्तब करने के लिए, उनको साइंटिफिक बनाने के लिए ज़रूरी ये है कि ये जो फ़लसफ़ा और मंतिक आया है इसको पढ़ा जाए। अब ये तो असल में जो लखनऊ यूनिवर्सिटी कायम हुई है, पहले तो ये कैनिंग कॉलेज के नाम से एक कॉलेज था और लखनऊ के राजाओं, ताल्लुकदारों और नवाबों ने इसको कायम किया था, और उनका मकसद ये था कि अंग्रेज़ी तालीम भी यहाँ हो और ख़ास जो हमारी ट्रेडिशनल है तो फ़ारसी, अरबी, संस्कृत, इसके लिए अलग उन्होंने स्पेशल डिपार्टमेंट्स कायम कराए। फिर बाद में ये इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया। उस वक्त जैसा और यूनिवर्सिटी में था कि जो बेहतरीन टीचर्स होते थे वो यहाँ लाए जाते थे और बड़ा ही एकेडमिक यहाँ का पूरा एटमॉस्फियर था। फिर जब से पॉलिटिक्स ने इंटरफियर किया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने, उसने बहुत ख़राब कर दिया, तो एक तरह का पॉलिटिक्स का अखाड़ा हमारी यूनिवर्सिटी भी बन गई। अब यूनिवर्सिटी कोई शहर से अलग टाइप की कोई चीज़ नहीं रही, आम जैसे कॉलेजेस हैं या और इंस्टीट्यूशन से वही इसकी भी हालत हो गई है। उससे जो सबसे बुरा असर हुआ यहाँ वो ये कि यूनिवर्सिटी पर होल्ड जो हुआ वो अब एकेडमिक टेम्परामेंट के स्टूडेंट्स का नहीं रहा। ये मदरसा बना था फरंगी महल के नौजवानों के लिए बना था कि उनको तालीम दी जाए। अब फरंगी महल के नौजवान
जब ये तालीम नहीं हासिल करें की उन्होंने, तो जाहिर है कि मदरसा खत्म हो गया। उससे सुबह शाम शिकवा कर रहा है लखनऊ, देख तुझ में धीरे धीरे मर रहा है लखनऊ। जितने हम प्याला थे उठते जा रहे हैं बज़्म से, जितने हम प्याला थे उठते जा रहे हैं बज़्म से, आखिरी पैमाना अपना भर रहा है लखनऊ। In the shop, when I keep listening to music when I'm working, I prefer Mozart. But at home, after a day's work, I like to go back to Beethoven. Mayfair was built around 1938, and the cinema had a ballroom attached to it, and there was regular live orchestra. There was tombola being played. It was very active. There was a bar license, and the whole place was full of fun and gaiety. It was a quiet place. There were a few cars parked outside this area. There were no rickshaws and all. There were tongas plying sometimes. Hazarganj had a charm of its own. People used to come back and say, "We've been out ganjing." And ganjing means a very leisurely stroll from one end to the other. There were fewer shops, and there was no hustle or bustle of any sort at all. The coffee house was a very popular resort where a lot of us used to go gather and have a cup of coffee. It used to be such innocent fun. Look, Hazarganj is the heart of Lucknow. Great places to eat and nice to stroll about. Just hang around. Ganjing is strolling about in Hazratganj. It's nice to stroll about. It's got nice places called, there's one place called Lover's Lane and other places, Kapoor's Cafe and Rovers. Very nice places to hang about if you have nothing else to do. Got young crowds gathering, that's about all. My parents might not like it so very much because it doesn't fit into the old image that they have of Ganj. But for us, it's nice because it's what we see on television of big cities. It's that to a lesser extent, but nevertheless, bright lights. हो सकता है थोड़ा मिला जुला पन आया है, लेकिन जो पुराने लोग अभी भी हैं लखनऊ में, उनके अंदर वही खसखस का इतर और वो पान की गिलोरियां और वो चिकन के कुर्ते और खूबसूरत काम किए हुए और फिर बैठ के दो हारमोनियम खुल गई और ठुमरियों का आनंद आ रहा है। जैसे पहले शायरी करते थे कि आप एक शेर पढ़िए, तो उस तरह से ठुमरी एक शुरू होती थी, जैसे हमारे चाचा शंभू महाराज जी करते थे, और एक एक बोल हर एक आदमी मिलकर कहता था, भाई अब आप भी, भाई आप भी, बिल्कुल ऐसा लगे जैसे शमा उठा के उनके सामने रख दी कि भाई अब एक शेर आप पढ़िए। हाले बद गुफ्तनी नहीं मेरा, तुमने पूछा तो मेहरबानी, भाई अब आप भी। We look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. ये बात इन्होंने इसलिए कही कि उर्दू शायरी में सिर्फ गम का तसव्वुर, गम की मानवियत को तो आप समझें पहले। आए थे हंसते खेलते मैखाने में फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। तो जाहिर है कि भाई हाँ, जैसे चल चलाओ है, शख्सियतों की एक उम्र हुआ करती है, मेरा ख्याल है कि तहजीब की भी एक उम्र होती है, शहर की भी एक उम्र होती है। लखनऊ की जो मौजूदा हालत है और जो कुछ हो रहा है लखनऊ में,
और जो लोग कर रहे हैं लखनऊ के साथ उसमें यही शेर याद आ रहा है। शेर में खूबी ये है कि आप उसको जो भी मानी देना चाहें अपने लिहाज से दे सकते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं कि कोई ऐसी खास बात क्या हो सकती है कि जो खूबियात बहुत सी थी उसकी, क्या बात है लखनऊ, बस लखनऊ के पुराने लखनऊ या लखनऊ की याद दिलों से लगाए बैठे रहिए। लखनऊ को बेहतर बनाने की कोई सही न कीजिए, ना कोई सही करे ना कोई कुछ कहे, वह खामोश बैठा रहे। लखनऊ की जो तकसीम हुई है ज़हनी और फिक्री सतह पर, बिल्कुल वो लखनऊ कभी तकसीम नहीं हुआ था। लखनऊ अगर एक तरफ अब्दुल बारी यासी का था तो दूसरी तरफ क्या संभव थी। द वेरी आर्टिस्टिक कल्चर दैट यू टॉकिंग अबाउट दोज वेरी द पीपल हु हैड एब्सोल्यूट एटिकेट इन देम, इट्स समथिंग दैट इवन आई हैव ओनली हर्ड ऑफ, you know, it is something that I haven't come across so frequently. Lal chundari arangai bae hoye rao ma piya milene hame jai bae hoye rao ma piya milene hame jai bae hoye rao ma piya milene hame jai hoye rao बराबर से बीच सैया मोरे आए बराबर से बीच सैया मोरे आए लाल चुंदरिया रंगई बे होए राव 42 साल रहा डायरेक्टर कम से कम 2000 शागिर्द हों मेरे, कम से कम लखनऊ में 2000 शागिर्द हों, तो पूछते भी नहीं उसका हमें जय बे होए राव घूंघटी खोल जबी सी जे में घिस कर उम्र भर तुझसे दुआ की थी चिराग शहर में तब रोशनी तूने अता दी थी मेरी रोशनी चश्म को जुलमत के पर्दे में छिपा दी मेरे मौला मैंने क्या तेरी खता दी थी घूंघटी खोल पिया मुख देखिए कौन बहन माँ बतई बे होए राव माँ पिया मिलन हमें पिया मिलन मैं तो पिया मिलन लखनऊ हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सीट ऑफ कल्चर आई थिंक इट्स द बैक बेंच नाउ इट्स लॉस्ट इट्स सोल पीपल हैव फॉलन अवे यू डोंट हियर ऑफ आरएस बिस्ट एनीमोर पीसी लिटिल यू डोंट हियर ऑफ राज बसारिया Tell you frankly, I don't even know if he's in Lucknow. And that man used to be a daily visitor to Ravindralaya. He was daily being mentioned in the papers. You are what you are wherever you are. Shakespeare remained where he remained. Kabir remained where he remained. He did not have to go to Bombay or to Calcutta to prove his mettle. And this is true because I feel that the artists and the creative people who are the cream of a city, who are the life of a city, if they migrate, this becomes a lost city. At the moment, I'm a little ambitious, and for that sort of ambition that I have, I don't think Lucknow is the ideal place. I prefer to go to a cosmopolitan. But perhaps when I'm older and I want to relax afterwards, you know, sail smoothly, then I would like to come to Lucknow and spend the time out here. It's peaceful. The challenge is much more back home. To till your own soil is far more difficult than to work in somebody else's factory. You know this business of being in big cities, if you're in a big city, you're a big man. And if you're in not so such a big city as the other city is, then you're a small person. You know, this kind of complex is not only colonial, it has been primarily engineered by people in the big cities, you know. छोटे भैया हैं छोटे शहर का आदमी इसको क्या आता है इफ ही समथिंग ही मस्ट कम टू द बिग टाउन टू प्रूव हिमसेल्फ ही इज अ मैन ही इज एन आर्टिस्ट ही इज क्रिएटिव ऑल दैट बुल आज भी मुझे याद आती है उस लखनऊ के उस शाम और लखनऊ की सुबह निशादगंज की गलियां एंड यू गो डाउन एंड यू गेट मटर की टिक्की गरम गरम तवे पे सेक रही हैं सिक रही होंगी यू पिक देम अप एंड यू कम बैक एंड इट्स द होल एटमॉस्फेयर इट्स द होल एंबियंस ऑफ द प्लेस और इट्स द विंटर मॉर्निंग्स एंड द You know, the makhan malai wala screaming and I remember as kids we used to all run out and it was the first thing we looked forward to in the morning.
Lucknow lives in the comfort of memory, a city whose present is so touched by the past. It's one of those paradoxical things, because the more scope the city offers, the more it loses out on that charm. And in that sense, it takes away from the beauty of that city. So I really don't know what I want, whether I want it to be a place where I can go back to and, you know, it still retains that flavor and that charm, or whether I want it to change. So one really does not know what one wants about it. I have stayed in Lucknow because basically I am a very easygoing person, and Lucknow is an easygoing place. I have not stayed here for its culture or for the arts. I did once make an attempt to take my family and settle down in Chandigarh. I ran away, I came back again. I mean, there's something about Lucknow which grows on you. If you have not seen Coffee House, you have not seen anything. Why don't you come to Coffee House? Haan. Yahan Bhagwati Charan Verma, Amrit Lal Nagar, Yashpal Ji, ye shaam ko aate the. The professors of the university, they will come around 1. When it is lunch time, they come here. Bajaj sahab aate the, to log aake baith gaye. वहाँ भी जौनपुरी आए, बैठ गए. मासूम रजा साहब तशरीफ लाए, सरदार जाफरी आए. तो उनके पास बैठने से तो भाई जो होना चाहते हैं इंटेलेक्चुअल तो हो जाते हैं. नाउ द काइंड ऑफ पीपल यू सी इन द कॉफी हाउस आर प्रॉपर्टी डीलर्स, सम इंश्योरेंस पीपल, मेडिकल रेप्स एंड बिजनेस पीपल. सो their whole level of discussions have changed. Now we don't fit in here. Bhai, kuch to rahe hi nahi. Aur kuch ye shehar chhod ke chale gaye. So ab lots of things to say. And I don't think that we can say all those things in say half an hour. Half an hour is not enough to tell you about 40 years or more than 40 years. आज बन मा हुसैना है जाए बसो, और आपन नगरी उजाड़ गयो. कहे बानो मैं शीश नवाऊं कहाँ, मुरा सैया तो मैं काबिसार गयो. एक दिन तारीख के औराक में खो जाऊंगी, रफ्ता रफ्ता मैं भी अपना लखनऊ हो जाऊंगी.